हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस कनेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है सेंटेंस कनेक्टर्स का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होता है, बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और इन दोनों स्टेटमेंट को आपको आपस में कनेक्ट करना होता है एक कनेक्टर की हेल्प से। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कनेक्टर्स के रूप में, पांच ऑप्शन या चार ऑप्शन जितने भी होते हैं आपके सामने होते हैं, और उनमें से आपको एक चूज करना होता है, उन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो इन सब को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओली बोर्ड की मोबाइल ऐप और वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, और देखने से ऐसा लगता है ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, एक बार जब आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आती है उनको, कि जब वो क्वेश्चन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे इनकी हम, तो इनको बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट प्लस सेंटेंस कनेक्टर्स और दो चार टाइप के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन पे आप फोकस करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा हमको समझना होता है बस, बहुत ही लॉजिकली इनका आंसर देना होता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, देखिए रूल्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। आपको एक बहुत ही मेन बात बताऊंगा आज, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर सभी लोग क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी रूल्स के पीछे भागते हैं कि सर हमें ट्रिक बता दो, सर हमें रूल बता दो, वो रूल बता दो। लेकिन देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो मैंने काफ़ी अप्लाई की है खुद से और बहुत ज़्यादा काम भी आई है मेरे। तो इसके अंदर क्या है, रूल्स सब कुछ नहीं होते हैं, आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, जो लॉजिक होता है उसका भी यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, तो किस तरह से होंगी चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, आपका टॉपिक है सेंटेंस कनेक्टर का। ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर का मतलब क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, फर्स्ट आपका सेंटेंस, दूसरा वर्ड क्या है, कनेक्टर। ये दो वर्ड आपके पास हैं, फर्स्ट है सेंटेंस। अब सेंटेंस होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कनेक्टर, जो इनको कनेक्ट करता है। अब आपके पास कितने स्टेटमेंट्स होंगे, आपके पास होगा स्टेटमेंट ए प्लस स्टेटमेंट बी तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास रहने वाले हैं, और आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आपके पास क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास होगा स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। ठीक है, इस तरह से आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसके बाद में ऑप्शन होंगे आपके पास, आपके पास फाइव ऑप्शंस होंगे। उन फाइव ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन चूज करना है और उन दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना है। ओके, अब देखिए कनेक्ट किस तरह से करना है वो हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ किस तरह से इनको कनेक्ट करना है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट होते हैं आपके पास, उनको कनेक्ट करने से पहले जो सेंटेंस कनेक्टर हैं उनको हम क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए सेंटेंस कनेक्टर को हम सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं,
सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, सिंथेसिस के नाम से भी हमें इसको जानते हैं। सेकंड थिंग आपके पास, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, एक फ्रेज होगी या कोई कनेक्टर होगा ऑप्शन के अंदर, उनको आपको कनेक्ट करना है उन स्टेटमेंट के साथ में, जो दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं उनके शुरू में यूज करना है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन होगी सेंटेंस की, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उस तरह से हम यूज करेंगे। थर्ड चीज आपके पास क्या होगी, इनको बिगनिंग में हमको यूज करना है। एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेज वी शुड यूज दीज कनेक्टर्स, ओके। अब देखिए आपके पास टू स्टेटमेंट्स होंगे, दो अलग अलग स्टेटमेंट आपके पास होंगे। अब देखिए सेंटेंस कनेक्टर का यूज करने से पहले आपके पास जो सेंटेंस है उनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब क्यों होनी जरूरी है, क्योंकि आपके आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह से बनता है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि देखिए दो तरह से दो सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है आपका जो प्रिंसिपल होता है सेंटेंस होता है, यानी आपका जो मुख्य वाक्य होता है जिस पर पूरा सेंटेंस टिका हुआ है, दूसरा आपका होता है सबॉर्डिनेट, दूसरा सेंटेंस आपका सबॉर्डिनेट जो इस प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको समझ, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो अब देखिए तीसरी चीज होती है इंप्लाई द सेम मीनिंग। अब इसका क्या मतलब होता है इंप्लाई द सेम मीनिंग का, अब देखिए जो भी स्टेटमेंट हमको दिए जाएंगे, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, ठीक है, अब इन सेंटेंस को कनेक्ट करने के बाद में जो सेंटेंस हमको मिलेगा, पहले तो ये दोनों सिंगल सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे, आफ्टर कनेक्टिंग दीज सेंटेंसेज, जो सेंटेंस हमारे सामने आएगा कनेक्ट करने के बाद में, तो उसका वो सेम अर्थ निकलना चाहिए, वही अर्थ निकलना चाहिए जो इनका पहले था। इनको कनेक्ट करने से पहले जो इनका अर्थ निकल रहा था, जो इनका मीनिंग निकल रहा था, वही मीनिंग इनको कनेक्ट करने के बाद में निकलना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, अवॉइड मोनोटोनी। अब अवॉइड मोनोटोनी का क्या मतलब है, देखिए अब हमें सेंटेंस को कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, अब आप कनेक्ट तो कर दोगे इनको, लेकिन कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर हमें इन सेंटेंस को कनेक्ट करना क्यों पड़ रहा है। तो देखिए इसका रीजन है, सिंपल सा है कि जब हम अलग अलग सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आपके पास है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली दो सेंटेंस है, ठीक है, अब आपके पास अलग अलग सेंटेंस आपको यूज करने पड़ रहे हैं, चाहे तो आप बोलो या लिखो, तो आपको अलग अलग सेंटेंस बोलने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो जब आप एक इनको एक ही सिंगल सेंटेंस के रूप में बना लो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आई एम इल, सेकेंड आपके पास कैन नॉट गो आउट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, दो स्टेटमेंट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट है आई एम इल एंड सेकेंड है कैन नॉट गो आउट, ठीक है। अब आपके पास ये दो सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस आप बोलते हो आई एम इल, सेकेंड आपके पास कैन नॉट गो आउट, ठीक है, ये दो सेंटेंस आपके पास हैं, अब इनको आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, तो किस तरह से आप बनाओगे, कौन सा कनेक्टर यूज करोगे। तो देखिए जब हम अलग अलग सेंटेंस बोलते हैं, पहले हम बोलेंगे आई कांट गो आउट बिकॉज आई एम इल, ठीक है, तो एक जब एक सेंटेंस आप बोलते हो तो आपको एकदम से बोल सकते हो, ठीक है, उनका एक सिंगल एक ही लाइन में आप बोल सकते हो पूरा आई कांट गो आउट बिकॉज आई एम इल। लेकिन अगर आप इनको सिंगल सिंगल बोलोगे, पहले तो बोलोगे आई कांट गो आउट, फिर बोलोगे आई एम इल, तो अलग अलग सेंटेंस आपको बोलने पड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो पुनरावृत्ति है वो टालने के लिए हम सेंटेंस कनेक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार में हम जब वो सेंटेंस रिपीट करते हैं तो बहुत बोरिंग सा होने लगता है, तो इसके लिए हमें इन सेंटेंस को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये तो बात होगी सेंटेंस को कनेक्ट करने की। अब देखिए कोहेरेंस। अब देखिए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए जब हम कनेक्ट करते हैं इन दोनों को, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर वो सेंटेंस होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए वो सेंटेंस किस किस तरह के हो सकते हैं, तो कुछ सेंटेंस तो ऐसे होंगे जिनमें कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी आपस में विरोधाभास दर्शाएंगे वो दोनों, ठीक है। एक सेंटेंस तो ऐसा होगा दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक सेंटेंस होगा पॉजिटिव एंड एक होगा नेगेटिव, तो दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास होगा सिमिलरिटी, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपस में समानता दर्शाएंगे, यानी दोनों सेंटेंस ही सेम होंगे, जैसा पहला सेंटेंस होगा वैसा ही सेकंड सेंटेंस होगा, ओके। अब देखिए आपके पास है एक सेंटेंस आपके पास होगा कॉन्सिक्वेंस दर्शाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम दर्शाएगा, यानी एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसका परिणाम होगा दूसरा सेंटेंस, यानी एक सिचुएशन होगी पहले सेंटेंस में आपके पास जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा आपको सेकंड सेंटेंस के अंदर, ठीक है, वो हम सभी देखेंगे आगे। तो देखिए एक सेंटेंस आपके पास होगा सिक्वेंस दर्शाएगा जो, ठीक है। सिक्वेंस यानी एक ऑर्डर के अंदर चलेंगे, जैसा पहला सेंटेंस होगा उसी ऑर्डर के अंदर सेकेंड सेंटेंस होगा, ठीक है। अब अगला है एग्जाम्पल, अब एक सेंटेंस होगा जिसके अंदर एग्जाम्पल दिया जाएगा और एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में आपको दे दिया एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, अब सेकंड एग्जाम्पल सेकंड जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको जिस चीज़ के बारे में एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स दी जाएंगी, तो एक एग्जाम्पल वाला भी सेंटेंस होगा, ठीक है। अगला है एम्फेसिस, अब एम्फेसिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस तरह के होंगे, यानी ये ऐसे सेंटेंस होंगे जिनके अंदर किसी न किसी सेंटेंस पे जोर दिया जाएगा, एम्फेसिस किया जाएगा, ठीक है। अब अगला है डिसमिसल, डिसमिसल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बाहर निकाला जाएगा, अब किस तरह से निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो सेंटेंस आएंगे उसका हम मोटा मोटा जो भी होने वाला है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सिंथेसिस भी बोलते हैं हम सेंटेंस कनेक्टर को, दूसरा इनको बिगिनिंग में हम यूज करते हैं सेंटेंस के, जो भी कनेक्टर होते हैं इनको हम सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं, और ये एक फ्रेज एंड कैरेक्टर होता है जो आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, उनको आपको चूज करना है, फाइव ऑप्शन में से एक सेंटेंस एक जो ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा चूज करना है वो सबकी जो सिचुएशन है हर सेंटेंस की अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से हम चूज करेंगे। अब अगली बात है, इसमें दो सेंटेंस आपके पास होंगे, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, और उन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। इम्प्लाइज सेम मीनिंग, अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मीनिंग है जैसा इसका मतलब पहले निकल रहा था सेंटेंस को कनेक्ट करने से पहले, अब कनेक्ट करने के बाद में भी वैसा ही अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले कुछ अलग अर्थ निकल रहा हो और अब कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगली चीज़ है अवॉइड मोनोटोनी, अब इनकी नीरसता को टालने के लिए जो बोरिंगनेस है उसको टालने के लिए हम सेंटेंस कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा बार बार में वही सेंटेंस बार बार में रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है। अगली चीज़ है कोहेरेंस, अब देखिए मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए सेंटेंस आपस के अंदर, और ये अलग अलग तरह के टाइप के सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह के होंगे, कॉन्ट्रास्ट भी हो सकते हैं, सिमिलरिटी दर्शा सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस शो करते हैं, सिक्वेंस को शो करते हैं, एग्जाम्पल को शो करते हैं, एम्फेसिस को शो करते हैं, उसके बाद डिसमिसल को भी शो करते हैं, तो इस तरह के आपके सेंटेंस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो रूल है वो किस तरह का होने वाला है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से कनेक्टर्स आपके सामने हैं, कौन कौन से कनेक्टर आपको यूज़ करने हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो कनेक्टर्स होते हैं, जो भी कंजक्शंस होते हैं, वो याद नहीं रहते कि कौन कौन से हैं, तो इसकी एक मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको एक सिंगल ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास एक ट्रिक बताने वाला हूँ इन सेंटेंस कनेक्टर्स को याद करने की, कि कौन कौन से सेंटेंस कनेक्टर्स आपके पास हैं जो आपको याद करने हैं। तो देखिए अलग अलग जब याद करते हो आप तो उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इनको इजीली याद कर सकते हो। एक बार आपको याद करने की ज़रूरत है बस उसको, एक बार जब उस ट्रिक को आपने याद कर लिया ना तो उस ट्रिक को आप भूलोगे नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। एक फुल फॉर्म आपको बनानी है उसकी, आप हमारे सामने एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, देखिए यहाँ पे ऑन द वाइट बस, ये आपके सामने एक वर्ड है, ठीक है पूरा, तो इसको ऑन द वाइट बस को हम यहाँ पे डिटेल के अंदर जानेंगे क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें ओ का क्या मतलब है, इसमें हर एक वर्ड का एक मतलब है, एक मीनिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑन द वाइट बस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ओ का क्या मीनिंग है, सबसे पहले आपके सामने है ओ। अब इस ओ का क्या मतलब है, इसके अंदर कौन कौन से कनेक्टर आएंगे, देखिए ओ से आते हैं ओनली,
एंड इफ, ठीक है, याद कर सकते हो इस तरह से. ओ सी है ओनली एंड इफ, ठीक है. सेकंड आपके पास एन, तो एन का क्या होगा, नाउ एंड दैट. सेकंड है आपके पास एन, इसका होगा नाउ एंड दैट, ठीक है. अगला है आपके पास, सॉरी यहां पे मैं ए लिखना भूल गया, तो यहां पे ओन ए आएगा, ओन ए द व्हाइट बस, ठीक है. यहां पे आपको द का नहीं ध्यान रखना है, ओन ए व्हाइट बस ही आएगा सिर्फ. यहां पे डिटेल में देखेंगे फिर, ओन ए व्हाइट बस, ठीक है. इसको आपको ध्यान में रखना है. देखिए ओ से हम कर चुके हैं, ओन का मतलब है ओनली एंड इफ, एन का है नाउ एंड दैट. इसके बाद आपके पास ए, तो ए स्टैंड्स फॉर आफ्टर, ऑल्दो एंड एज, ठीक है. ये तीन आपके पास कनेक्टर्स हैं. उसके बाद आपके पास क्या आता है, डब्लू, ठीक है. तो डब्लू का क्या मीनिंग होगा, डब्लू से जितने भी डब्लू एच वर्ड, जितने भी डब्लू एच वर्ड आते हैं वो आपके सामने आएंगे. तो देखिए डब्लू से क्या होगा, वेयर, वेन एवर, वैन, वेन एवर, वेदर एंड वाइल, ये आपके पास डब्लू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो वर्ड्स हैं वो है, ठीक है. इसके बाद आपके पास आता है एच, तो एच फॉर हाउ, ठीक है. इसके अंदर आएगा हाउ. इसके बाद आपके पास आता है आई, तो आई फॉर क्या होता है, आई से है इन केस. इसके बाद है इफ, उसके बाद है इन ऑर्डर दैट, ठीक है. ये आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं. इसके बाद आपके पास आता है टी, तो टी से कौन सा होगा, दो एंड दैट, ये दो वर्ड्स टी से शुरू होने वाले हैं. इसके बाद आपके पास आता है ई, तो ई से कौन सा होगा, इवन दो, ठीक है. इवन दो, एक तो ये वर्ड है, एक है आपके पास इवन इफ, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन से हैं, इवन दो एंड इवन इफ. इसके बाद आपके पास कौन से आते हैं, देखिए बी से स्टार्ट होगा, बी से कौन से होंगे, बिफोर एंड बिकज, ये दो वर्ड्स बी से स्टार्ट होंगे, ठीक है. इसके बाद आपके पास आता है यू, यू से स्टार्ट कौन सा होगा, एंटिल एंड अनलेस, ये दो वर्ड्स आपके पास यू से स्टार्ट होने वाले हैं. इसके बाद है आपके पास एस, तो एस फोर क्या होता है, एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं सिंस एंड सो दैट, ये दो वर्ड्स आपके पास एस से स्टार्ट होने वाले हैं. तो देखिए ओन ए व्हाइट बस के अंदर हमने पूरा डिटेल में बताया आपको कि हर एक वर्ड के अंदर कौन कौन से कनेक्टर्स आने वाले हैं. तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली इस ट्रिक से सारे कनेक्टर्स याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो. तो इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान में रहे, आप इसको इजीली याद कर सको, ठीक है. अब हम जानेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं किन सेंटेंस कनेक्टर्स का हम किस तरह से यूज करेंगे सेंटेंस के हिसाब से, वो आप देखने वाले हैं. तो देखिए अब हमारे सामने है एक एग्जांपल, उसको हम देखने वाले हैं. तो देखिए एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है. अब जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई है कि किस किस तरह से ये सॉल्व होने वाले हैं, तो उनको अब अप्लाई करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने अब हम देखने वाले हैं. तो देखिए अब आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें टू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, ठीक है. अब इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना है, जो भी कनेक्टिव्स हैं उनकी हेल्प से. अब आपके सामने देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, कंसीडरिंग दैट. सेकंड ऑप्शन है ऑल्दो वी शुड. थर्ड है एज द स्टोन. और इनमें भी आपके पास ऑप्शंस है कि ओनली वन आएगा, या फिर ओनली टू आएगा, या फिर ओनली थर्ड आएगा, या फिर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा, या फिर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आएगा. तो इसमें से आपको चूज करना है. तो हम एक एक को अब देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट वन क्या है, वी शुड मूव अवे फ्रॉम हियर, कि हमें यहाँ से दूर चला जाना चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, यानी किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए. स्टेटमेंट टू क्या है, द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, कि जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो अप्रोच कर रहा है, यानी आ रहा है, तूफान आ रहा है. दूसरे आपके पास आपकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वी शुड मूव अवे फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. सेकंड के अंदर क्या है, द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग. तो देखिए दो स्टेटमेंट आपके पास है, फर्स्ट के अंदर क्या है, देखिए ये क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए. अब इस क्यों चला जाना चाहिए, यहाँ से क्यों चले जाएँ, अब इसका क्या कारण है कि यहाँ से चले जाएँ. तो देखिए इसका जो रीज़न दिया गया है वो इस सेकेंड स्टेटमेंट में है, क्या है, द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, क्योंकि तूफान आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. तो देखिए तीन ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा. फर्स्ट आपके पास कंसीडरिंग दैट. तो देखिए इस स्टेटमेंट में हम यूज करके देखते हैं इसको. मैंने बताया था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको यूज करना है जो भी कनेक्टर्स है. तो देखिए कंसीडरिंग दैट, तो कौन से के अंदर यूज होगा, आपके पास दो स्टेटमेंट है, तो कौन से स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आप इसको
ऐड करोगे जो भी कनेक्टिव हो उसको, तो देखिए उसको आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा एंड कौन सा बाद में आने वाला, थोड़ा सा आपको उसका लॉजिकल ऑर्डर वो है वो ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इसके साथ में यूज करते हैं स्टेटमेंट वन के साथ में इसको, कंसिडरिंग दैट को, कंसिडरिंग दैट वी शुड मूव अवे फ्रॉम हियर, तो सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, सबसे पहले हो रही है और उसके बाद में वो चीज आएगी जो उसके बाद हो रही है, तो सबसे पहले कौन सी चीज हो रही है, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि सबसे पहले चीज हो रही है द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, वो तूफान आ रहा है इसीलिए तो वहां से मूव करना चाहते हैं, तूफान नहीं आता तो उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमको सेकंड स्टेटमेंट के साथ में इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, तो क्या आएगा, कंसिडरिंग दैट द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, ठीक है, वी शुड मूव अवे फ्रॉम हियर, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए कंसीडरिंग दैट का यूज हम कहाँ करते हैं, कंसीडरिंग दैट का यूज करते हैं उस जगह करते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ऐसा कोई तथ्य हो जिसमें हमें निर्णय लेने की क्षमता को ध्यान में रखना होता है, कि किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कोई फैसला लेना होता है, किसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, किसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए या फिर किसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो उस कंडीशन में हम कंसीडरिंग दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सी समस्या है यहाँ पे, कौन सी स्थिति या फिर कौन सी समस्या आ रही है जिसकी वजह से हमें इसको यूज करना पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सी समस्या है, द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, क्योंकि जो तूफान है वो आ रहा है, अब हमें निर्णय लेना है इस कंडीशन में कि हमको क्या करना चाहिए, तूफान आ रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें चला जाना चाहिए यहाँ से क्योंकि अगर हम यहाँ ठहरे तो नुकसान हो सकता है हमें, ठीक है, तो इस समस्या को हमें क्या निर्णय लेना पड़ा, क्या निर्णय लिया है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, कौन सी समस्या को, जो तूफान आ रहा है, जो स्टॉर्म अप्रोच कर रहा है, उस समस्या को हमें ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय जो निर्णय लिया हमने क्या लिया कि हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडरिंग दैट का जो यूज़ है वो बिल्कुल उपयुक्त है, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट यूज़ है, तो ठीक है यहाँ पर यह आ जाएगा कंसीडरिंग दैट। अब देखिए सेकेंड जो आपके पास ऑप्शन है ऑल दो वी शुड, अब देखिए ऑल दो वी शुड का यूज कहां करेंगे, ऑल दो वी शुड, तो देखिए यहाँ पे वी शुड पहले भी आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर और इसके अंदर भी ऑल दो वी शुड आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट है यानी विरोधाभास दर्शा रहे, इसके अंदर भी यूज हो रहा है, इसके अंदर भी यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब थर्ड आपके पास क्या है, एज द स्टॉर्म, ठीक है। अब इसको हम शुरू में किसके शुरू में यूज करते हैं, इसको हम जो भी सेंटेंस होता है उसके स्टार्टिंग में यूज करते हैं, तो इसको देखिए यूज करते हैं एज द स्टॉर्म वी शुड मूव अवे फ्रॉम हियर, तो इसके साथ में हम यूज नहीं कर सकते। पहली बात कौन सी हो रही है, पहले आपके पास क्या है, ये सेंटेंस है क्योंकि तूफान पहले आ रहा है, तो इसके पहले हम यूज करेंगे एज द स्टॉर्म, द स्टॉर्म, एज द स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं आएगा, एज द स्टॉर्म आ रहा है, यहाँ भी एज द स्टॉर्म आ रहा है, तो आपके पास बचा कौन सा, कंसिडरिंग दैट, तो कौन सा आ जाएगा, ओनली स्टेटमेंट वन। तो इस तरह से आपको जो सेंटेंस है उसका ध्यान करना है, उसका ऑर्डर ध्यान रखना है, कौन सी घटना पहले हो रही है, कौन सी घटना बाद में हो रही है, तो जो पहले घटना हो रही है उसके साथ में हम उससे पहले कनेक्टर का यूज करेंगे, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कौन सी घटना पहले हो रही है, आपको देखने से पता चल जाएगा जो सेंटेंस होगा उसकी कंडीशन को हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा बस, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आपके पास दूसरा एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने है, इसमें भी दो स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपके पास तीन ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, वो डरे हुए थे, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट है। सेकंड आपके पास स्टेटमेंट द कैट वुड ईट देम अप, जो बिल्ली है वो उनको खा जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया, जो बिल्ली है द कैट वुड ईट देम अप, कि जो बिल्ली है वो उनको खा जाएगी, दे वर अफ्रेड, बिल्ली खा जाएगी इसीलिए वो डरे हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए जो एक्शन है वो क्या हो रही है और रिएक्शन क्या हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके अंदर आपकी एक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्शन हो रही है, क्या एक्शन हो रही है, कि जो बिल्ली है वो खा जाएगी, ठीक है, इसलिए वो डरे हुए हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि बिल्ली खा जाएगी, इस डर से वो यहाँ पे डरे हुए हैं, तो ये रिएक्शन हो रहा है इसका, ये इसका रिएक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि पहले कौन सी जो इवेंट है वो हो रही है, उसके बाद कौन सी इवेंट हो रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। मैंने बताया था कि कई जो सेंटेंस करेक्टर्स होंगे, कई सेंटेंस होंगे ऐसे
जो कॉन्ट्रास्ट शो करेंगे यानी विरोधाभास दर्शाएंगे, कुछ होंगे जो सिमिलरिटी शो करेंगे यानी जो समानता दर्शाएंगे, कुछ होंगे जो एकदम ही विपरीत अर्थ देंगे, है ना, यानी जो पहला वर्ड होगा उससे विपरीत अर्थ देने वाले हैं, कुछ सिमिलरिटी दर्शाएंगे। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं। तो इसके अंदर क्या देखिए, पहले क्या एक्शन हो रही है कि बिल्ली उनको खा जाएगी इसलिए वो डरे हुए हैं, ठीक है। तीन आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए यूज करते हैं वन बाय वन। तो देखिए फर्स्ट, देखिए सबसे पहले दैट एनी टाइम, अब इसको हम यूज करके देखते हैं। तो देखिए दे वर दैट एनी टाइम दे वर अफ्रेड, सबसे पहले ये देखते हैं दे वर अफ्रेड, उसके बाद दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, वे डरे हुए हैं क्योंकि दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, कि किसी भी समय बिल्ली उनको खा जाएगी। तो यहाँ पे इसका यूज सही हो रहा है, लॉजिकली एकदम सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है। देखिए जो भी स्टेटमेंट बनेगा आफ्टर कनेक्टिंग दीज टू सेंटेंसेज, तो जो भी सेंटेंस हमारे सामने आने वाला है कनेक्ट करने के बाद में, तो उसका लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, सेम ही मीनिंग निकलना चाहिए जैसा पहले निकल रहा था, और उसका जो ऑर्डर है वो लॉजिकल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो इवेंट्स है तो वो सही ऑर्डर में होने चाहिए, यानी जो घटना पहले घट रही है वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद जो इवेंट हो रहा है वो उसके बाद होना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि थोड़ा उसका क्रम है वो उल्टा सुलटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका यूज बिल्कुल सही बैठ रहा है। सेकंड आपके पास है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कम हम कहाँ यूज करते हैं, देखिए इस तरह का जो कनेक्टर है वो हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी अलग स्थिति होती है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं। इससे पहले हम थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट है नोविंग दैट, तो देखिए सबसे पहले हम इसको यूज कर लेते हैं नोविंग दैट द कैट वुड ईट देम अप, यह जानते हुए कि बिल्ली उनको खा जाएगी इसलिए दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए हैं इसलिए वो डरे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट का भी यूज हो सकता है, थर्ड का भी यूज हो सकता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो आपको ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड चूज करना है एज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं वो थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, यानी उनका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए कि पहले कौन सी इवेंट हो रही है उसके बाद कौन सी इवेंट हो रही है, और कॉमन सेंस आपको यूज करना है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी घटना पहले हो रही है और कौन सी बाद में हो रही है। तो उसको आपको क्या करना है, जो भी कनेक्टर होते हैं उसको स्टार्टिंग में यूज़ करना है किसी भी सेंटेंस के, और कौन से स्टेटमेंट के पहले यूज़ करेंगे। देखिए दो स्टेटमेंट आपके पास होते हैं तो आपको ये भी लगेगा कि कौन से स्टेटमेंट के पहले यूज़ करें। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा यानी जो सबसे पहली घटना होगी, जो सबसे पहला इवेंट होगा, उसके पहले आपको वो कनेक्टर यूज़ करना है, ठीक है, और उसके बाद में वो सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको इनका यूज़ करना है, ओके तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए सेकंड आपने देख लिया है, तो सेकंड देखिए अब इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो ये कहाँ भी यूज़ होता है। तो देखिए ये कहाँ भी यूज़ होता है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत हो सेंटेंस पे, एम्फेसिस करने के लिए, जब भी वाक्य पे जोर देना हो, सेंटेंस पे जोर देना होता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही कि जहाँ पे सेंटेंस में हमें जोर देना पड़े, कोई बात हमें थोड़ी जोर लगा के कहनी पड़ रही हो, दबाव देने के बाद कहनी पड़ रही हो, वैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं हो रही, इसलिए हम सेकंड स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट एंड थर्ड का ही यूज होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं। तो देखिए आपके पास टू स्टेटमेंट्स है एज ऑलवेज और थ्री ऑप्शंस है, उसके बाद में आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन से इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट वन आपके सामने है, क्या है, सी नोज नथिंग अबाउट हिम, कि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है ही इज यंग एंड हैंडसम, कि वह यंग है और हैंडसम भी है, ठीक है, वो युवा है और हैंडसम भी है, सुंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए, इनको आपको कनेक्ट करना है बाय यूजिंग दीज थ्री कनेक्टर्स। तो इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा कनेक्टर यूज होगा, वो हम देखते हैं। जो हर सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हमको सेट करना होता है जो भी कनेक्टर दिया गया होता है। तो देखिए आपके पास क्या दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, देखिए पहले में क्या दिया गया है, सी नोज नथिंग अबाउट हिम, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, ठीक है, किसके बारे में ये नहीं पता कौन है, किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, ठीक है। सेकंड में क्या दिया गया है, ही इज यंग एंड हैंडसम, कि वह यंग और हैंडसम है, ये आपको दिया गया है, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट को हम यूज कर नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो ही इज, तो यहाँ पे किसके साथ यूज करेंगे, ऑल्दो ही इज, सी नोज, तो ये तो बिल्कुल भी इररिलेवेंट दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो देखिए इससे पहले हम यूज कर लेते हैं थर्ड का, हाउएवर सी नोज, ठीक है, हाउएवर सी नोज, सी नोज तो इसमें भी आ रहा है, हाउएवर सी नोज नथिंग अबाउट हिम, फिर भी वो है ना क्या बोलते हैं, वो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, ही इज यंग एंड हैंडसम। देखिए इसके अगर हमने यूज कर लिया हाउएवर, अगर हाउएवर का यूज करते हैं अगर हम इसके पहले, हाउएवर सी नोज नथिंग अबाउट हिम, कि यद्यपि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, उसके बाद में ही इज यंग एंड हैंडसम, कुछ नहीं जानती कि वो है यंग और हैंडसम है, जब वो कुछ जानती ही नहीं है तो उसको क्या पता कि वो यंग है और हैंडसम है, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। इसके बाद में आपके पास बचता क्या है, एक्सेप्ट दैट, अब इसका यूज करते हैं, तो देखिए सी नोज नथिंग अबाउट हिम, वह कुछ नहीं जानती है, सी नोज नथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, एक्सेप्ट ही इज यंग एंड हैंडसम, सिर्फ इस चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इस चीज को छोड़ के, किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ के, है ना, वह किस चीज की बात की जा रही है, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो उसके बारे में वो सिर्फ इतना ही जानती है कि वो यंग एंड हैंडसम है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानती, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एक्सेप्ट दैट का, ठीक है, तो क्या होगा, सी नोज नथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट ही इज यंग एंड हैंडसम, वह सिर्फ उसके बारे में इतना ही जानती है कि वो यंग एंड हैंडसम है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानती, तो हम यूज करेंगे एक्सेप्ट दैट का, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली सेकंड, ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर सेंटेंस को देखना है, किस तरह से वो लॉजिकली यूज हो रहा है, कौन सी घटना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, इस घटना का आपको ध्यान में रखना है। पहले तो उनको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा एंड कौन सा बाद में आएगा, तो सबसे पहले स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद में हम यूज करने वाले हैं कनेक्टर का, उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट उसके साथ में कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, जो सेंटेंस कनेक्टर है, उसके बाद में उस वीडियो के अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में मैं आपके सामने आने वाला हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे हर एक कनेक्टर से रिलेटेड, कि किस तरह से आपको हर कनेक्टर का यूज़ करना है, एज कहाँ पे आने वाला है, इफ कहाँ पे आने वाला है, ऑन कहाँ पे आएगा, इन ऑर्डर दैट कहाँ पे आएगा, तो हर एक जो कनेक्टर है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो देखिए दो स्टेटमेंट आपके पास है, फर्स्ट है ही कीप्स हिज पिस्टल इन ए होल्स्टर, वो अपनी जो पिस्टल है वो एक होल्स्टर में रखता है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है दिस इज द होल्स्टर, कि यह है होल्स्टर है, ठीक है, ये वह होल्स्टर है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके पास दिए गए, तो फर्स्ट एक स्टेटमेंट इसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और एक स्टेटमेंट ऐसा है कि उसके बारे में उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करोगे आप, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट के अंदर दिया गया है कि एक वो जो अपनी पिस्टल रखता है वो एक होल्स्टर में रखता है, दूसरे में दिया गया है दिस इज द होल्स्टर, वह एक होल्स्टर है, तो दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वही होल्स्टर है जिसके अंदर वो अपनी पिस्टल रखता है, तो इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो देखिए स्टेटमेंट ऑप्शन वन क्या दिया गया, अलोंग विद हिज, ही कीप्स हिज पिस्टल इन ए होल्स्टर, अलोंग विद हिज, ही कीप्स हिज पिस्टल इन ए होल्स्टर, दिस इज द होल्स्टर, तो ये इररिलेवेंट है, यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। सेकंड आपके पास क्या, इनफैक्ट, इनफैक्ट ही कीप्स हिज पिस्टल इन ए होल्स्टर, दिस इज द होल्स्टर, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं बैठ रहा है इसका, तो ये भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। आपके पास क्या बचा, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है इस तरह से, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लोज का, तो देखिए हम एडजेक्टिव क्लोज का यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे, तो देखिए एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, सो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी शो करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोज क्या होता है वो आपको पता है, उपवाक्य होता है, जो भी उपवाक्य होता है सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लोज, उसको हम क्लोज बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वेयर द, वेयर ही कीप्स, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लोज है।
अब इसका एडजेक्टिव क्लोज क्यों, देखिए आप वेयर जो दिया गया है ये एक एडजेक्टिव है, कहाँ पे बोल रहा है, देखिए वो अपनी पिस्टल रखता है, ठीक है वो पिस्टल कहाँ पे रखता है वो इंपॉर्टेंट है, वो जहाँ पे अपनी पिस्टल रखता है वो एक एडजेक्टिव है, उसको कौन शो कर रहा है, वेयर शो कर रहा है, जहाँ पे वो अपनी पिस्टल रखता है ये वेयर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये जो पूरा सेंटेंस है वेयर ही कीप्स, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, इसको हम यूज करेंगे। देखिए ही कीप्स हिज पिस्टल इन ए होल्स्टर, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट आपके पास आएगा दिस इज द होल्स्टर, ठीक है, इसके बाद आपको यूज करना है वेयर ही कीप्स, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा दिस इज द होल्स्टर वेयर ही कीप्स हिज पिस्टल इन ए होल्स्टर, तो इस तरह से आपको इनका यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी तरह के डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी भी किसी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर इंग्लिश के किसी दूसरे चैप्टर में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन 100% मिलेगा। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।